subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वो एक घंटा बोले, हमें 15 मिनट बोलने दें और फिर हमारे दलाइल सुने कि हम बाइबल को कैसे खुदा का कलाम है. अपने जवानों को, बेटियों को, बेटों को, बुजुर्गों को और हमारी कलीसियाओं में बाइबल की सदाकत के बारे में ईमान अफरोज बातें जो हैं, जिनका पस मंजर हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, वो देखें. दुनिया झूठ की मुखालफत करती है या सच की? झूठ की मुखालफत करने की क्या जरूरत है, वो तो पहले ही उसका काम है जिसे बाइबल में मसीह खुदावंद ने झूठ का बाप कहा. मुखालफत हमेशा सच्चाई की होती है और दुनिया ने बहुत से लोगों को मखसूस कर दिया है कि आप इसकी मुखालफत करें जो बाइबल के सच होने का बजाते खुद एक सबूत है. झूठ की मुखालफत कौन करे, सच की करे? काश ऐसे लोग बाइबल की मुखालफत की करने के बजाय उन चीजों को देखें जो बाइबल के वसीले से दुनिया की तारीख में पूरी हो रही. अपने ईमान मजबूत करें, कलीसियाओं में ऐसी तालीमात दें, ऐसे लोगों को दावत दें जिन्हें खुदा ने कुछ इस तरह के खास तोड़े दे रखे हैं, ताकि हमारे नौजवान इस आंधी से लग्जिश खाकर अपने ईमान से बरगश्ता ना हो, बल्कि वो बातें सीखें जो उनकी मजबूती का बायस बन सकती.